नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को हार्ट वर्ल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हृदय रोग से मर जा रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे के मनाने की शुरुआत हुई ताकि लोगों को हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। वर्ष 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। यह एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है। विश्व हृदय दिवस पर डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए नगर के सुखदेव पहलवान स्टेडियम से एक जागरूकता यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में बढ़ती हृदय की समस्या के प्रति जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। डिवाइन हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी विपुल सिंह ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुप कुमार सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह मौजूद रहे। सेव हार्ट सेव लाइफ इस पूरे कार्यक्रम का स्लोगन रहा। वर्ल्ड हार्ट डे के तत्वाधान में हम लोग जो है एक लोगों को जागरूक करने के लिए सेव हार्ट सेव लाइफ करके एक कैंपेन निकाले हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। सर, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन जो है आपका जी, किस तरीके से कार्य कर रही है और संदेश क्या दे रही है? जी, हमारे डिवाइन का मोटो ही है सेव हार्ट सेव लाइफ, और हम लोग जो है सभी लोगों के लिए हैं, गरीबों के लिए। हमारे यहाँ सीएम फंड से भी इलाज होता है, और CGHS हमारा हॉस्पिटल NABH है, और सारी चीज़ों हैं, और सारी हाईटेक सर्जरी हमारे यहाँ की जाती है। हृदय दिवस के नाते एक जागरूकता अभियान है, और युवाओं द्वारा आज यह रैली आजमगढ़ से अपनी निकाली गई और स्टेडियम तक गई है। निश्चित रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारा हृदय कैसे स्वस्थ रहे, यह जागरूक करने की ज़रूरत है। और सबको स्वस्थ रहने के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, और कहीं कहीं से खान पीन और कोई दिक्कतें जो आती हैं उस नाते हमारा हार्ट, अभी युवाओं में भी यह ज़्यादा दिखने को मिल रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमको जागरूक होना चाहिए, और स्वास्थ्य के प्रति हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। और इस पर हिंदुस्तान के हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य पर बहुत चिंता किया है, और काफ़ी चीज़ें सुधर भी रही हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरा उत्तर प्रदेश लैस करके अत्याधुनिक तरीके से हम सबको बहुत ही, हम सब स्वस्थ कैसे रहें इस पे काम हो रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।